नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में अपने बात करने वाले हैं एक न्यू बम्पर गवर्नमेंट वैकेंसी की। तो वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखें ताकि कोई भी डिटेल अब आपसे मिस ना हो। वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। अगर बात करते हैं, ये जो वैकेंसी है ये निकली है अपने NHM के द्वारा, और NHM के द्वारा अगर बात करें तो सामान्यतः कॉन्ट्रैक्ट बेस की ही वैकेंसी होती है। इसमें पोस्टों की बात करें तो नर्स की 14 पोस्ट है, इसके लिए GNM या BSc नर्सिंग की हुई होनी चाहिए। कम्युनिटी नर्स की एक पोस्ट है, इसके लिए भी GNM या BSc नर्सिंग की अप्लाई कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट आशा मेंटर की एक पोस्ट है, इसके लिए डिप्लोमा या BSc नर्सिंग, GNM डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन कोई भी हो का आप अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकल ऑफिसर की 10 पोस्ट है, इसके लिए MBBS डिग्री चाहिए। आयुष मेडिकल ऑफिसर की भी यहाँ पर एक पोस्ट है, इसके लिए BAMS की डिग्री चाहिए। पेडिस्ट्रिशियन की 2 पोस्ट है, इसके लिए MD, DM या DNB या DCH का जो कोर्स है वो किया हुआ होना चाहिए। एनेस्थीसिस्ट की एक पोस्ट है, इसके लिए MD DN एनेस्थीसिया होनी चाहिए। उसके बाद ऑब्स्टेट्रिक गायनोकोलॉजिस्ट की एक पोस्ट है, इसके लिए MD डिप्लोमा इन जो गायनोकोलॉजिस्ट है वो किया हुआ होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी अश्योरेंस कंसल्टेंट्स की एक पोस्ट है, इसके लिए MBBS, BDS या BAMS या BSc नर्सिंग की अप्लाई कर सकते हैं। ENT स्पेशलिस्ट की बात करें तो एक पोस्ट, इसके लिए डिप्लोमा या MS होनी चाहिए इन ENT के अंदर। उसके बाद इंस्ट्रक्शन फॉर हियरिंग इंपायर्ड चिल्ड्रन की एक पोस्ट, इसके लिए डिप्लोमा हो चाहिए रिलेवेंट फील्ड के अंदर। प्राइमरी हेल्थ प्रोटेक्शन ऑफिसर की पोस्ट है, एक पोस्ट है, इसके लिए 10वीं पास, उसके बाद PUC या NM का कोर्स किया हुआ होना चाहिए। लेबोरेटरी टेक्नीशियन की एक पोस्ट, इसके लिए PUC या DMLT का कोर्स किया हुआ होना चाहिए। एज अब 18 से 65 साल के बीच में तो अप्लाई कर सकते हैं। और आपका सिलेक्शन है वो मेरिट लिस्ट और इंटरव्यू के आधार पर होने वाला है। अगर पर मंथ पेमेंट की बात करते हैं तो 12,745 लेकर यहाँ पर 1,30,000 रुपये तक आपको पेमेंट मिलने वाली है। अप्लाई करने के लिए इसकी ऑफिशियल साइट है जो NHM बालाजी, उस पर जाना है, नोटिफिकेशन को चेक करना है, एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है, उसको पूर्ण रूप से फिलअप करना है, और जितने भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी स्कैन कॉपी उनके साथ लगा देनी है। और ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट RCH ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल प्रेमिसेस अनंतपुर रोड बालारी कर्नाटका, यहाँ पर आपको सेंड कर देना है। और ये सेंड करना है आपको 6 जुलाई 2023 से पहले 6 जुलाई 2023 से पहले आप यहाँ पर सेंड कर सकते हैं। ये इंग्लिश वाला नोटिफिकेशन है, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन ये देख सकते हैं, और यहाँ पर इसका एप्लीकेशन फॉर्मेट भी दे रखा है साथ में, ये देख सकते हैं। अलग अलग पोस्ट के लिए पूरी क्वालिफिकेशन दे रखी है, लेकिन ये कर्नाटका की लैंग्वेज के अंदर है तो थोड़ा सा समझ में कम आएगा, इसलिए इंग्लिश वाला आपको दिखाया है। ये देख सकते हैं, ये अलग अलग जो फॉर्म है सबके लिए अलग अलग फॉर्म यहाँ पर दे रखे हैं। ये फॉर्म आपको डाउनलोड करने हैं, पूर्ण रूप से फिलअप करने हैं, रिलेवेंट जो डॉक्यूमेंट्स उनकी स्कैन कॉपी लगानी है, और आपको जो एड्रेस नीचे दिया उस एड्रेस पे सेंड कर देना है। ये देख सकते हैं इनका एप्लीकेशन फॉर्मेट है, इंग्लिश के अंदर एप्लीकेशन फॉर्मेट है, बाकी इसके कर्नाटका के अंदर भी एप्लीकेशन फॉर्मेट दिखा रखा है। अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पर अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्मेट है, ये देख सकते हैं सबके लिए अलग अलग फॉर्मेट है। ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसमें पोस्टें दी है, पोस्टों के साथ में क्वालिफिकेशन इनकी देर की है, और इसकी जो लास्ट डेट है यहाँ पर देख सकते हैं 15/7/2023 को आपका जो भी इंटरव्यू लिस्ट है वो जारी हो जाएगी, देख सकते हैं। तो ये काफ़ी बढ़िया वैकेंसी है, ये इसकी देख सकते हैं यहाँ पर मेल आईडी देर की है, इस मेल आईडी पर भी आप संपर्क कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर इनके। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतनी ही बात करेंगे। वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई भर्ती एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।